What's up guys, this video most requested video. Gameloop promoter best setting for PUBG Mobile. PUBG Mobile lack fix for low end PC. और गाइस इस वीडियो में जो सेटिंग के बारे में बताएंगे वो जो आपके पास हाई एंड PC है या लो एंड PC दोनों में ही काम करेगा, बिल्कुल 100% लैक फिक्स हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते मेरे PC में जो Gameloop का नया वर्षन इंस्टॉल है और यहाँ पे PUBG Mobile भी इंस्टॉल है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हम Gameloop का सेटिंग को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इंजन के अंदर यहाँ पे देख सकते हो ऑटो रन इसको और इसको अनटिकेट दीजिए। देन यहाँ पे सेकेंड जो इंजन है यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे ग्राफिक्स रहने को ऑटो ही रखिए, ऑटो ही बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे इन फाइव को यहाँ पे चिकमार को इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे जी सेम टू सेम सेटिंग को अप्लाई करिए जो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे एंटीलाइजिंग ऑफ ही रखिए, ऑफ ही बेस्ट है। एंड मेमोरी गाइज आपके पीसी में 8GB या 8GB के ऊपर रैम है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखिए, ऑटोमेटिक बेस्ट है। अगर 8GB के नीचे रैम है 6GB 4GB तो हाफ रखिए, अगर 6GB है तो 3GB रखिए, 4GB है तो 2GB रखिए यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर अगर आपके पीसी में नया प्रोसेसर है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखिए। अगर ओल्ड प्रोसेसर है ड्यूल कोर i3, अगर 4 कोर प्रोसेसर है तो 2 रखिए, अगर 2 कोर प्रोसेसर है तो 1 रखिए, हाफ रखिए, ये जो सबसे बेस्ट है। और गाइस यहाँ पे रेजोल्यूशन आपके डिस्प्ले के हिसाब से रखिए। यहाँ पे अगर आपके पास HD डिस्प्ले है तो आप HD रख सकते हैं। और DPI 240 बेस्ट रहेगा, बाकी जो सेम सेटिंग रहेगा यहाँ पे, मॉडल भी सेम रहेगा, चेंज मत करिए इसको। देन यहाँ पे गेम के अंदर जो सेटिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पे ऊपर देखते हैं PUBG मोबाइल। तो गाइस मेरे PC में जो है ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो मैंने इसको 720p रखा है। अगर आपके PC में ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे 1080p रखिए, यहाँ पे लैग नहीं करेगा। बट 720p रखेंगे तो बिल्कुल लैग नहीं होगा। और ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पे स्मूथ भी रख सकते हैं, बट ऑटोमेटिक रखिए, स्मूथ सिलेक्ट होगा। और गाइस यहाँ पे FPS अगर आपके PC में ग्राफिक्स कार्ड है या अच्छे प्रोसेसर है तो यहाँ पे आप 90 FPS भी इनेबल कर सकते हैं। बट मेरे PC में जो यहाँ पे ओल्ड प्रोसेसर है तो मैंने इसको डिफॉल्ट रखा है, डिफॉल्ट ही रखिए आप भी। और अकाउंट यहाँ पे सेम ही रखिए, बाकी सेव कर लीजिए। बट अभी भी Gameloop का जो सेटिंग अभी भी सेव नहीं हुआ। Gameloop का जो बैकग्राउंड में रन होता है यहाँ पे बैकग्राउंड से इसको इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते एग्जिट हो गया। तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसके बढ़ते हैं। तो सिंपली आप विंडोज़ के सर्च बार में जाइए और यहाँ पे टाइप करिए ग्राफिक सेटिंग। और गाइज ये जो सेटिंग है आपको विंडोज 7 में नहीं मिलेगा, तो विंडोज 7 यूज़ करें तो स्किप करिए, विंडोज 8-10 सब में मिल जाएगा ग्राफिक सेटिंग। तो सिंपली इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउज़र में अंदर यहाँ पे आपको ऐप EXE का जो आइकॉन है उसको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि डिस्प्ले में। तो सिंपली यहाँ पे Gameloop को ऐड कर लीजिए। एंड Gameloop को ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे थर्ड वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं हाई परफॉर्मेंस इसको सेट कर रही है। तो यहाँ पे जब भी Gameloop को आप रन करेंगे तो हाई परफॉर्मेंस से रन होगा, लैग नहीं होगा, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो चलेगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में सिंपली आप Gameloop को आइकॉन को क्लिक करिए एंड प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे देखते कॉम्प्यूटिंग मोड इसको क्लिक करिए। देन यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो थर्ड वाला ऑप्शन इसको इनेबल कर दीजिए और DPI को यहाँ पे सिलेक्ट करके एप्लीकेशन यहाँ पे सेम टू सेम सेटिंग को आप अप्लाई करिए, अप्लाई देन ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 4। तो गाइस स्टेप 4 से सिंपली आप विंडोज़ के सर्च बार में जाइए और यहाँ पे एडिट पावर प्लान सर्च करिए, एडिट पावर प्लान। और गाइस ये जो सेटिंग है आपको विंडोज 7 8 10 सब में मिल जाएगा। सिंपली एडिट पावर प्लान को ओपन कर लीजिए एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पावर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके PC में सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस सेट होगा। तो सिंपली इसको हाई परफॉर्मेंस आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे सेकंड में हाई परफॉर्मेंस है। अगर आपके नहीं है तो नीचे आपको हाइट में मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस को सेट कर लीजिए। और हाई परफॉर्मेंस सेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो है आपका जो है सेटिंग सब कंप्लीट हो चुका है। और गाइस इस 4 स्टेप को आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो PUBG मोबाइल का लैग बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और गाइस ये जो सेटिंग है सभी PC के लिए बिल्कुल 100% वर्किंग है और सबसे बेस्ट सेटिंग है। तो सिंपली आप आपको PUBG मोबाइल ओपन करके थोड़ा इसका गेम प्ले भी दिखाते हुए आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो PUBG मोबाइल ओपन हो रहा है लोडिंग स्क्रीन। और गाइस इन सेटिंग जो है बिल्कुल 100% वर्किंग है। आप एक बार इस सेटिंग को सेम टू सेम अप्लाई करिए आपके PC में तो यहाँ पे लैग फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गेम जो ओपन हो रहा है। और गाइस मेरा जो PC का परफॉर्मेंस, PC का जो रैम है 8GB रैम है और इसमें जो प्रोसेसर है यहाँ पे प्रोसेसर राइजन 5 का प्रोसेसर है, कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। तो सेटिंग अंदर यहाँ पे और एक सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स सेटिंग देख सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो यहाँ पे स्मूथ ही बेस्ट है, ग्राफिक्स को आप स्मूथ रखिए।
तो मैंने HD रखा क्योंकि HD में अच्छा लगता है। तो चलिए अब टीम डेट मैच को अब खेल के दिखाते हैं इसका परफॉर्मेंस। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 60 FPS, बिल्कुल 60 FPS में रन हो रहा है गेम, बिल्कुल स्मूथली आप खेल पाएंगे सभी सेटिंग को जब अप्लाई करेंगे। और गाइस ये सेटिंग जो है सबसे बेस्ट है, मैंने बहुत सारा सेटिंग को अप्लाई करने के बाद यही जो है सबसे बेस्ट है मैंने। और गाइस गेम लूप के बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, चैनल में जाके देखिए कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, सब मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.